सबसे पहले आज के तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। इन कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा था। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि कानूनों को किसानों के हित में बनाया गया था, लेकिन सरकार कुछ किसानों को समझा नहीं पाई। दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की नीयत साफ थी, लेकिन कुछ किसान कृषि कानूनों की सच्चाई तक पहुंच नहीं सके। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने इन कानूनों को 2 साल तक निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कृषि कानूनों पर विवाद खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद के आने वाले सत्र में कृषि कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सरकार MSP ज्यादा कारगर तरीके से लागू करने के लिए एक कमेटी भी बनाएगी। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान संगठन 26 नवंबर 2020 से आंदोलन कर रहे हैं। अब जब उनकी मांग पूरी हुई तो दिल्ली बॉर्डर से लेकर पंजाब तक किसानों ने खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लेकिन अब किसान संगठनों ने नया दांव चलते हुए फिलहाल आंदोलन खत्म करने से इनकार कर दिया है। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। किसान नेताओं ने सरकार के सामने शर्त रखी कि जब तक MSP गारंटी कानून नहीं बनता, आंदोलन बंद नहीं होगा। देश का किसान, ज्यादा से ज्यादा किसान जो है वो MSP के लिए लड़ रहे हैं। कल ही हम बैठक बुलाएंगे SKM की, और उसमें भी पूरा फैसला हम कर लेंगे संघर्ष को किस मोड में आगे ले जाना। सिंघू बॉर्डर पर कल दोपहर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। इसमें किसान संगठन अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। कृषि कानून वापस लेने के फैसले के ऐलान के साथ ही इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, जीत उनकी भी है जो लौट के घर ना आए, हार उनकी ही है जो अन्नदाताओं की जान बचा ना पाए। आज मोदी जी का अहंकार टूटा है, आज भाजपा सरकार का षड्यंत्र टूटा है, आज खेती को पूंजीपतियों की द्योड़ी पर बेच देने की साजिश टूटी है। RJD प्रमुख लालू यादव ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया गया है। वो देख रहे कि भ्रम में डाल के ये बोल के कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। योगी जी हाथ मिला के बोल रहा है, योगी जी का जोग खत्म हो गया। NCP प्रमुख शरद पवार ने भी आरोप लगाया कि सरकार का फैसला राजनीति से प्रेरित है। चुनाव मद्देनजर रखते हुए आज उन्होंने ये तीनों कृषि कानून वापस लेने का डिसीजन ले लिया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने अहंकार के लिए ये कानून बनाए, जिसकी वजह से 700 किसानों की मौत हो गई। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद यूपी में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी केंद्र सरकार की हार है। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है, ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। वहीं यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने BJP पर निशाना साधा। चुनाव आ रहे हैं, उनको लग रहा होगा परिस्थितियां ठीक नहीं है। विधानसभा के चुनाव जो हैं, उनका सर्वे आया है, उसमें उनको दिख रहा है कि परिस्थितियां ठीक नहीं है, तो अब चुनाव से पहले वो माफी मांगने आ गए। BSP प्रमुख मायावती ने कहा कि सरकार को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था। उन्होंने MSP पर कानून बनाने की मांग की। किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की ये खास मांग भी अधूरी पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के हमलों पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार संवाद से समस्या का समाधान करती है। अगर कहीं से आवाज निकली है तो लोकतंत्र में आवाज कहीं हम अनसुनी नहीं कर सकते। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.